नौशाद जी के चाहते कलाकार थे तो उनको पहले हम कर चुके हैं दिलीप साहब को। अच्छा मैं आपको बोलना भूल गया हूँ कि ये हमारे बीच में जो बैठी हैं मैडम जी, ये कोई मामूली नहीं है, ये राजू भाई की वाइफ हैं और मजरू सुल्तानपुरी जी की बेटी हैं। तो ये हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है कि ये हमारे बीच हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में? जी आप लोग बहुत ओब्लाइज है, आप संतोष भाई, भाभी जी, उस्मान भाई आपके, कि आपने इतना ऑनर दिया हम लोग को यहाँ घर पे आके, और बहुत अच्छा लगता है। हमारे अब्बा आते थे गाना लिख रहे हैं, यहाँ म्यूजिक रूम में यहाँ बैठते थे कुछ। आप बताइए दिलीप साहब की, और जो आते थे रवि साहब, आते थे रवि अंकल तो शादी हमारी नहीं हुई थी, उससे पहले ही आते थे वो। अच्छा। और दिलीप वो तो बहुत आते थे, फिर आके बैठ जाते थे, कहने के मैं वॉक पे गया हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, नौशाद भाई से मिल के। फिर पूछा गया उनसे क्या कुछ लेंगे, हाँ जरूर लूँगा, दवा दो। रात का वक्त होता था, इवनिंग वॉक पे जाते थे ना, तो 8:30 बजे के मैं दवा दूँ, सारा मुझे कुछ खाने नहीं देती है, लेकिन अब मैं खाऊँगा यहाँ ऐसे, मतलब बहुत होमली फील करते थे यहाँ, बहुत अच्छा लगता था। मैम टेल अबाउट सर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग करेंटली म्यूजिकली, मतलब अब क्या करने वाले हो म्यूजिक में? अभी तो हम लोग ये रिटायर हो गए ना सर, पहले ये भी थे म्यूजिक में, और अपने फादर के असिस्टेंट थे, रह चुके थे। मैम आप? नहीं, आई एम हाउस में। ओके, तो आपके सर आपके जहन में गाना आ रहा है, नवाज साहब को डेडिकेट करना चाहेंगे आज? हाँ, लेकिन कोई ऐसा कोई सॉन्ग है जो उनको आप डेडिकेट करना चाहे या कुछ करना चाहे? वो तो है, लेकिन कुछ तो बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, एवरग्रीन, सैजू बोरा के गाने, वो तो सब एवरग्रीन। कोई ऐसा गाना है जो अभी आप सुनाना चाहें हमारे ऑडियंस को? आप हरी लफ्ज बोल दीजिए, मैं गुनगुनाऊंगा ताकि नौशाद साहब की यादें ताज़ी हो जाए। दर्द भरे तेरे प्याले, सुन दर्द भरे तेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे
तेरे नाले सुदर्द भरे तेरे नाले। थैंक यू सर, थैंक यू। मिला है और उनके साथ आपकी कोई मेमोरीज है जो शेयर करना चाहे जो सबसे छुपी हुई है उनका कोई फैमिली का कोई? ऐसे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो छुपी हुई है क्योंकि यही उनका कमरा है, मैं दिन पा के यहीं बैठता हूँ। सो एनी वर्ड टू वर्ल्ड बुक के लिए संतोष जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे वर्ल्ड टू? मैं उनको मेरा गुड विशेष है कि उनकी उम्र बढ़ती रहे। उस्मान खान जी के लोग बहन रुपये हैं ये मुझे कौन सा आपने नाम दे दिया है? जी 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 बोला बताएं। आपको रहते हैं कैसे? अभी भी आप जवान लगते हैं अपनी बेटे के बेटे के सामने, अभी भी आप जवान। एक्चुअली मैं जब आया था तो अपने बेटे के साथ में आया था यहाँ पर, बताया था। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो संतोष भाई हैं जो हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के सीईओ हैं सब हैं और ये उनकी वाइफ हैं भाभी जी, और एक्चुअली इनकी जो चाहत थी, जैसे कि हमने आज बॉलीवुड से बहुत दिग्गज कलाकारों को अवार्ड दिया है, ऑनर किया है, सम्मानित किया है, लेकिन इनकी बहुत टाइम से एक चाहत थी कि मैं नौशाद साहब को इसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑनर करना चाहते हैं, उनको अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं उनको फाइंड आउट करता हूँ, और फाइनली राजू भाई का जो है मुझे पता मिल गया है और राजू भाई से बात हुई है। तो संतोष भाई का जो था ना, ये दिल की चाहत थी कि हम सबसे पहले नौशाद साहब को हम करते हैं। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये है कि नौशाद साहब एक बड़े ही, मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मतलब आई एम स्पीचलेस कि उनके बारे में तारीफ करना, मतलब दीव को रोशनी दिखलाने लायक है। तो जैसे कि मैं, सबसे बड़ी मेरी खुश नसीबी यह है कि मैं खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र हूं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जैसे कि संतोष भाई ने ये मुझे वादा दिया हुआ है कि मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो ये मुझे पोस्ट दी हुई है। तो आज मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज एक म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद साहब को, मेरी तुलना नहीं है उनसे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नौशाद साहब को एक म्यूज़िक कंपोज़र, वो भी म्यूज़िक कंपोज़र थे, तो उनको अवार्ड दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। और आज मैं संतोष भाई को बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, संतोष भाई का, कि लंदन से वो आए हैं यहाँ पर ख़ास करके नौशाद जी के लिए, और भाभी जी आई हैं, और मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और राजू भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत दी है, इतना सम्मान दिया है, प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। दिलीप साहब सबसे ज़्यादा आना जाना था नौशाद जी के, पहले हमने दिलीप कुमार जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर रखा है। जो आपको हमेशा याद रहती है, जो आपके जहन में हमेशा कुछ याद है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो नौशाद साहब के सामने उनके बारे में एक छोटी सी बायोग्राफी बताऊँ। नौशाद साहब का मिलिट्री कैरियर शुरू हुआ था 1940
फिल्म भी उसमें म्यूजिक अभी उस समय साउंड नहीं होता था जब बोलती फिल्म साइलेंस मूवी के अंदर म्यूजिक चलता था तो बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक दिया जाता था तो बैकग्राउंड म्यूजिक के सफर के अंदर वाकई शुरुआत हुई और 40 के दशक से आप म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आ चुके और अपने मेहनत पर आपने अपना मुकाम बनाया और पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया और कहीं ना कहीं क्लासिकल को क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ वो अलग अलग जितने भी रिदम होते थे उनका समावेश किया और नए नए गीतों की रचना कर हम हिंदुस्तानियों को नए नए संगीत के रूप में गीत के रूप में नए नए गाने और बड़े मैडम ये मैडम ये वो लगा दीजिए दो मिनट ना दो मिनट लगेगा करवा लो हट रहा हूँ जी रामनी जी के साथ गए आपके मौजूद को लेकर गए उन्होंने मना कर दिया था कि सर अब वो आंसर आप देने की बात कर रहे क्योंकि हमें कंफ्यूज हो रहे हैं ही नोज आई एम अ चीफ कहीं कुछ ऐसा बता रहा है ये फ्रेंडली एक्चुअली संतोष भाई को जो है ना फ्रेंडली कर वो उस टाइम की सारी बातें इनको सब मालूम है एक मिनट बजाने के लिए